पर जो है बात करने वाले हैं नूवो ग्लोबल वेंचर लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी यहाँ पर क्या कारोबार करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर निवेश के हिसाब से यहाँ पर हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर नूवो ग्लोबल वेंचर लिमिटेड कंपनी का जो बिज़नेस सेगमेंटेशन है, जो बिज़नेस डाइवर्सिफिकेशन है, जो वर्टिकल्स में बिज़नेस काम करता है, उसके बारे में तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। कंपनी के यहाँ पर करंटली जो कैश फ्लोज है वो किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस प्राइस पे जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पर हमें किस तरह की देखने को मिली है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या फिर एक स्टैग्नेंट होल्डिंग देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अगर यहाँ पर कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये कंपनी का मेन जहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर ट्रेडिंग इन फिल्म एज वेल एज सीरियल राइट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्विमिंग पूल रिलेटेड आइटम्स, डीलिंग्स इन शेयर, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है इस कंपनी का कारोबार है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग में अगर यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के पास बिजनेस वर्टिकल के अंदर ऑटोमेशन, मल्टीमीडिया, जिस तरह से मैंने आपको बात की कि यहाँ पर डेट इज सीरियल राइट्स रिलेटेड जो कंपनी काम करती है वो रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर और ग्लोबल एंटरप्राइज के अंदर जो है ये कंपनी का मेन जो है कारोबार है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन रेवेन्यू होता है। हालांकि इस कंपनी का यहाँ पर करंटली अगर यहाँ पर मार्केट कैप भी देखने जाए तो सिर्फ 24 करोड़ का, डेट इज 24.1 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप है, और उसी के साथ में स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा महंगा है, माने कि 56.1, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर सिर्फ है 0.26% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज -1.5% का देखने को मिल रहा है। डेट यहाँ पर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है डेट, डेट इज़ 8.04 करोड़ का डेट है। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 1.3 पे, और हाई प्राइस यहाँ पर है 1.6 और लो प्राइस 1.12 का देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं इंडस्ट्री के पी के हिसाब से बात करता हूँ तो यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 33.9 का है, और उसके हिसाब से भी देखते हैं तो करंटली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरवैल्यूड है। डेफिनेटली कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, बट यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कंपनी बेस जो है कंपनी बॉटम लाइन उसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी अगर यहाँ पर इस कंपनी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 2020, 21 और 22 के अंदर भी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2.87 करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी कंपनी ने यहाँ पर 12 लाख का घाटा किया हुआ है। रेवेन्यू भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, और उसी के साथ में यहाँ पर जो बॉटम लाइन है उसके अंदर भी कोई अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पर भी अगर यहाँ पर देखने जाएँ तो यहाँ पर मार्च, जून और सितंबर के अंदर, मार्च के अंदर, जून के अंदर कोई भी धंधा नहीं, सितंबर के अंदर सिर्फ यहाँ पर 38 लाख रुपीज़ का धंधा किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर मार्च के अंदर अदर इनकम के थ्रू यहाँ पर हमें 13 लाख का प्रॉफिट देखने मिल रहा है, जून के अंदर 40 लाख का प्रॉफिट, और यहाँ पर सेप्टेम्बर के अंदर 9 लाख रुपये का जो है यहाँ पर कंपनी को घाटा हुआ है। तो अगर हम उस हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी जो है कंपनी यहाँ पर 1 करोड़ के प्रॉफिट पर आना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाती है, और उसके अंदर भी यहाँ पर 50 के पी पे ट्रेड हो रहा है, तो ये तो चीज़ है वो तो पहले से ओवर वैल्यू ही देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 36.23% जो निवेश है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, और पब्लिक के अंदर भी यहाँ पर 63.79 में से भी यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है, माने कि यहाँ पर 20% के आसपास का जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े लोगों द्वारा जो है किया गया हुआ है। हालांकि यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर 1% भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2.4 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है या फिर 2 करोड़ के आसपास का माल खरीदना है, और 1% यू ही हो जाता है। तो उसके अंदर से भी हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 20% से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो निवेश है वो बड़े लोगों द्वारा किया गया हुआ, और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर रिटेल ओरिएंटेड ही देखने को मिल रहा है। कैश फ्लोज के ऊपर भी आ जाते तो कंपनी का पहले से यहाँ पर धंधे का जो साइज़ है वो काफ़ी तरह कम देखने को मिल रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग के अंदर यहाँ पर हमें सिर्फ 18 लाख देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट यहाँ पर फिक्स एसेट्स कंपनी ने 5 लाख के खरीदे हैं, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंपनी ने 33 लाख रुपीज़ के खरीदे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है वो भी डेफिनेटली हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यहाँ पर जो है कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख रहे होते हैं। तब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी ने जो रिपेमेंट किया है बोरोइंग्स का वो यहाँ पर 2 लाख का
देखने को मिल रहा है, अदर देन दैट नथिंग एल्स यहाँ पर हमें मार्च 2022 के अंदर देखने को मिल रहा है। 5 साल का हाई प्राइस यहाँ पर 1.6 और लो प्राइस 1.09 का देखने को मिल रहा है। करंटली 1.3 पर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। सो क्वेश्चन राइज होता है कि निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं पर बात करता हूँ, सबसे पहले सो रीजन्स वाई नॉट टू इन्वेस्ट, सबसे पहले मार्केट कैप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस एज वेल एज यहाँ पर जो वॉलिटिलिटी होगी वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा कम जो है डेफिनेटली देखने मिलेगी। बट उसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर जो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। 4-5 साल से भी यहाँ पर जो है कंपनी का धंधा, यहाँ पर हमें कोई अच्छा खासा पॉजिटिव ग्रोथ जो है या फिर कोई पॉजिटिव चीज़ जो है अभी तक देखने को नहीं मिली। हालांकि कंपनी अपना जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है, बट यहाँ पर हमें ऑन द पेपर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो यहाँ पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वॉन्ट सजेस्ट कि यहाँ पर हमें जो इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, माने कि नोवू ग्लोबल वेंचर लिमिटेड कंपनी। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो सेंस यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।